ये ममता दीदी नहीं, ये ममता ईदी अमीन की तरह पेश आ रही हैं। जिस प्रकार से ममता बनर्जी की सरकार ने बलात्कारी बचाओ, सबूत मिटाओ, सत्य की आवाज को दबाओ ये किया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने फटकार लगाई। अब फिर से एक बार जब छात्रों का, डॉक्टर्स का, आम नागरिकों का नबन्नो चलो अभियान, मतलब कि मार्च करके बेटी के लिए न्याय मांगने का अभियान चल रहा है, तो उसको रोकने के लिए ममता बनर्जी की सरकार सड़कों को कंटेनर से ब्लॉक करवा रही है। बंगाल पुलिस छात्रों को अरेस्ट करके प्रोटेस्टर्स को मर्डरर बता रही है। वेल्डिंग किया जा रहा है। किस प्रकार से 3 टायर सिक्योरिटी और 6,000 पुलिस पर्सनल आ गए। अरे इतनी पुलिस की सुरक्षा आरजी कर मेडिकल कॉलेज में होती तो क्राइम सीन डेसिक्रेट नहीं होता, जैसे हमने वीडियो में देखा है, जैसे वैंडलिज्म किया गया और उस पर हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। अगर इतनी सुरक्षा आरजी कर मेडिकल कॉलेज में होती तो बेटी के साथ अन्याय नहीं होता। पर पहले दिन से सुसाइड बताओ, केस पेपर्स में डिस्क्रिपेंसी कराओ, FIR देर से रजिस्टर करवाओ, किस प्रकार से क्रिमेशन जल्दी जल्दी करवाओ, सबूत मिटाओ, रेनोवेशन कराओ या गुंडों को भेजकर तोड़फोड़ कराओ, यही प्राथमिकता रही है। और फिर प्रोटेस्टर्स को या तो अपमानित करना, जैसे अरूप चक्रवर्ती ने किया, उदयन गुहा ने धमकी दी, कुणाल घोष लगातार अपमानित कर रहे हैं, या उनको रोकने के लिए उनपे मर्डर का चार्ज डालकर उनको अरेस्ट करवाना। ये ममता दीदी नहीं, ये ईदी अमीन है। ये संविधान बचाओ वाले पर इस पर कुछ नहीं बोलेंगे, ये लड़की हूं लड़ सकती हूं कहने वाले इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। आज कहां हैं राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, प्रियंका चतुर्वेदी, आम आदमी पार्टी, सब चुप हैं। इस प्रकार की तानाशाही कोलकाता की सड़कों पर, अरे भाई बेटी के लिए न्याय ना मांगे क्या, परिवार के साथ खड़े ना हो पीड़िता के? आप कहते हैं कि डिस्ट्रैक्शन है राहुल गांधी, राकेश टिकैत कहते हैं कि ये कंस्पिरेसी है, कोई और इंडिया अलायंस का नेता, क्योंकि कन्नौज में उनकी पोल खुल जाएगी तो कोलकाता पर चुप है। ये असली चेहरा इंडिया अलायंस का, न संविधान की चिंता, न बोलने की आजादी की चिंता, न बेटियों की सुरक्षा की चिंता, केवल राजनीति।